वो एक इंसान को बहुत बेरहमी से मारता है क्योंकि वो इंसान मुझे छेड़ देता है। बेरहमी से मार रहे थे तुम उस आदमी को, अरे तुम जान ले लेते उसकी, इतना मारा तुमने उसे। बाकी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी अगस्त्य को बदलने की। मानना होगा तुम्हें कि तुमने जो किया वो गलत किया। कहो कहो कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। पाखी इज वेरी फ्यूरियस और वो ज्यादा कंफ्यूज है कि इतने सालों की दोस्ती में उन्होंने आज तक ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है, तो क्या पहले तो जाना चाहूंगा आपसे, बाकी गुस्सा नजर होती हुई आ रही है। अलग रूप देखा मैंने अगस्त्य का, वो रेस्टोरेंट में कुछ हो जाता है और वो एक इंसान को बहुत बेरहमी से मारता है क्योंकि वो इंसान मुझे छेड़ देता है, और वो रूप ऐसा है जो मैंने अगस्त्य का पहले कभी देखा नहीं है। सो पाखी इज़ वेरी फ्यूरियस और वो ज़्यादा कन्फ्यूज है कि इतने सालों की दोस्ती में उन्होंने आज तक ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है, तो क्या हो गया। एंड शी डिडंट लाइक इट कि उन्होंने उस इंसान को इतना मारा, बिकॉज यू नो हर चीज़ की एक हद होती है और अगस्त्य ने सारी हदें पार कर दी। सो काफी लड़ाइयाँ होती नजर आ रही हैं आप दोनों के बीच में, किस बात को लेकर इतने डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? पति पत्नी नोक झोंक है, होती रहती है, बट हाँ इस वक्त पाखी बस अगस्त्य से ये चाह रही है कि वो प्रॉमिस करे कि दोबारा अगस्त्य ऐसा कभी नहीं करेंगे, जो कि अगस्त्य नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि दोबारा कभी अगर पाखी को कोई छेड़ेगा तो वो उस इंसान की जान ले लेगा। सो कहीं ना कहीं पाखी थोड़ी डर भी गई है। इस बीच में दौरान अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने एक प्यार का इजहार भी कर दिया है बीच में, कुछ कहते कहते वो अटक गए हैं, इजहार करते करते रुक गए, एंड वही पाखी फिर थोड़ी सी वही यू नो नर्वस हो गई, कंफ्यूज हो गई कि अरे ये क्या बोल दिया टाइप्स, और ऐसे बहुत इमोशंस और आगे आने वाले हैं। इस रिएक्शन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अगस्त्य का जो आज रूप देखा है पाखी ने, तो इसको अब क्या किस तरीके से लेने वाली है पाखी? पाखी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी अगस्त्य को बदलने की, तो देखते हैं वो बदल पाती है या नहीं। ओके, इसी के साथ में बर्थडे की भी कुछ तैयारियां होने वाली हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? पाखी का बर्थडे है, 22 सरप्राइजेज उसके लिए है। अब बाकी अभी तक जितने सरप्राइजेज मिले हैं वो तो अच्छे ही रहे हैं, बट शायद हो सकता है आने वाले सरप्राइजेज में से कोई एक सरप्राइज खटक जाए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है, यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ, एक साथ सब कुछ होने वाला है, एंड मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग फना। तुमने जो किया वो गलती थी, हाँ बेरहमी से मार रहे थे तुम उस आदमी को, अरे तुम जान ले लेते उसकी, इतना मारा तुमने उसे और उसे तुम गलती कह रहे हो। पता है उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ना तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। तुझे लगता है ना कि मैं पागल हूँ? ठीक हूँ मैं पागल, लेकिन अगर कोई तुझसे बदतमीजी से बात करेगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पर खड़े होकर देखता रहूंगा? नहीं ना, तू मुझे बता, अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तू क्या करेगी मेरे लिए? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन किसी को ऐसे बेरहमी से मारना, उसकी जान ले लेना ऑलमोस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मानता हूँ तू बहुत समझदार है, ठीक है माना, लेकिन मैं ऐसे मैं दिमाग से नहीं दिल से मानना होगा तुम्हें कि तुमने जो किया वो गलत किया। कहो कहो कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे, कहो। अरे नहीं कहना चाह रहा यार मैं कुछ। अरे क्या जिद लगा के रखी है तुमने, हाँ क्यों जिद कर रहे हो? मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। टोटो जिद मत करो बच्चों की तरह, तुमने जो किया वो गलत किया और तुमने ऐसा क्यों किया कि? क्योंकि मैं तुझसे प्यार